नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रेमेटर्स 2.0 में। और हमारी आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप फॉरवर्ड बॉट कैसे बना सकते हैं। मेरी आज की इस वीडियो से पहले मैंने आपको एक अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो बना के दी थी आपको फॉरवर्ड बॉट के ऊपर कि आप फॉरवर्ड बॉट को कैसे यूज कर सकते हैं, हाउ टू यूज ऑटो फॉरवर्ड बॉट। तो इसी बॉट को आज हम डिप्लॉय करने वाले हैं हिरोकू के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर पहले कोई एरर था और उस एरर को हमने सॉल्व कर लिया है अब हमारे सब्सक्राइबर्स की मदद से। और अब मैं उसी बॉट को डिप्लॉय करने वाला हूँ हिरोकू के ऊपर इस वीडियो में। तो चलिए हमारी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। ये मेरी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है और इसके अंदर ये सारे आपको लिंक्स मिल जाएंगे वीडियो के। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक वीडियो देखनी होगी, हाउ टू यूज फॉरवर्ड बॉट, आपको ये वाली वीडियो देख लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे रिपोजिटरी का लिंक मिलेगा, एक गिटहब रिपोजिटरी का। इस गिटहब रिपोजिटरी को आपको यहाँ पे अपने ब्राउजर के अंदर ओपन करना है। इस रिपोजिटरी को यहाँ पे स्टार देना ना भूलें, ठीक है। और आप इस रिपोजिटरी को फोर्क भी कर सकते हैं अपने अकाउंट के अंदर। इसके बाद यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, बेसिक्स ऑफ टेलीग्राम की। आपको इस प्लेलिस्ट को ओपन करना है। ये हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है ग्रे मैटर्स के नाम से। आप हमारे इस चैनल को भी जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे आपको 12 वीडियोज मिलेंगी, कुछ बेसिक सी वीडियोज, सिर्फ 30 से या 40 सेकेंड की वीडियोज है। यहाँ पे आपको इन वीडियोज को देख लेना है। इन वीडियोज को देखने के बाद आपको सारा डाटा पता लग जाएगा कि आपको कहाँ से क्या चीज लेनी है। इसके बाद आपको एक अलग से एक वीडियो देखनी होगी, हाउ टू मेक मोंगो डीबी URL। और आप इसे YouTube पे सर्च कर सकते हैं, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। देखो यहाँ पे एलएन टेक्निकल ने भी बनाई हुई है, हमने भी यहाँ पे एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मेरी वीडियो यहाँ पे रैंक नहीं कर रही है। कोई बात नहीं, आप हमारी मैं अपनी वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे आपने प्लेलिस्ट को देख लिया, मोंगो डीबी URL बनाना सीख लिया। अगर आप इस बॉट को चाहे तो VPS के ऊपर भी होस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप ये बेसिक्स वाली वीडियो देख सकते हैं कि VPS के ऊपर आप अपने टेलीग्राम बॉट्स को कैसे होस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारी रिपोजिटरी अब ओपन हो चुकी है, मैं यहाँ पे आपको डिप्लॉय करके दिखाता हूँ। तो ये हमारी रिपोजिटरी है, पब्लिक फॉरवर्ड बॉट, ठीक है, जिसको यहाँ पे सुबिन्स ने बनाया है ओरिजिनली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हिरोकू पे ऑलरेडी लॉग इन करके रखा हुआ है, हिरोकू पे ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है। और अब कुछ यूजर्स के लिए ये प्रॉब्लम होगा कि मतलब यार हिरोकू तो अब पेड हो चुका है, लेकिन देखो मैं पेड के लिए तुम्हारे पास एक ऑल्टरनेटिव है कि तुम्हें इतने ज्यादा पैसा नहीं पे करने पड़े। मैंने अपने चैनल पे एक पोस्ट डाली हुई है, ये देखो ये वाली पोस्ट, हिरोकू CC एडिंग टू योर हिरोकू अकाउंट। इसमें आप 50 रुपीज इस बंदे को पे करके अपने हिरोकू अकाउंट के अंदर 50 रुपीज में क्रेडिट कार्ड को ऐड करवा सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे आप 1 साल का फ्री क्रेडिट ले सकते हैं $156 का, जो कि आपका 1 साल अपने आपके बॉट को होस्ट कर देगा टेलीग्राम के ऊपर, कितने मतलब 130 रुपीज के अंदर, ठीक है। आप इस बंदे को यहाँ पे मैसेज करें और मेरा रेफरल कोड यहाँ पे जरूर यूज करें, तभी आपको ये वाले प्राइसेस पे मिलेगा, वरना ये प्राइसेस ज्यादा हो सकते हैं और यूजर्स के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हिरोकू मिल जाएगा अपने फॉरवर्ड बॉट को डिप्लॉय करने के लिए। आपके पास ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बाय कर ले। इसके बाद अब मैं आपको बॉट डिप्लॉय करना बताता हूँ। आपको यहाँ पे रिपोजिटरी पे जाना है और स्क्रोल डाउन करना है। आपको यहाँ पे एक बटन मिलेगा डिप्लॉय टू हिरोकू, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा हिरोकू पे रिडायरेक्ट कर देगा ये हमको, और हमारे यहाँ पे हिरोकू ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको ऐप नेम के अंदर अपना बस अपना अपने ऐप को कुछ भी नाम देना है, जो भी आप देना चाहते हैं। तो मैं इसे फॉरवर्ड बॉट 658 यहाँ पे दे देता हूँ नाम। नीचे आपको स्क्रोल डाउन करना है। स्क्रोल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे API हैश, API ID डालनी होगी, जो कि आपको प्लेलिस्ट में पता लग जाएगा कि आपको कौन सा डाटा कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने इसे यहाँ पे तो मैंने ये सारा जो डाटा था वो ऑलरेडी निकाला हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी डाटा को मैं बस यहाँ पे जल्दी से कॉपी पेस्ट कर दूंगा। और देखो यहाँ पे मैंने अपनी API ID, API हैश और बॉट टोकन डाल दिया। इसके बाद आप यहाँ पे दूसरे एक वेरिएबल है बॉट यूजर नेम के नाम से। तो यहाँ पे आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है कि बॉट यूजर के नेम के अंदर आपको सिर्फ अपने बॉट का यूजर नेम डालना है, आपको यहाँ पे @ नहीं डालना है, वरना आपको एरर आएगा और आपके बॉट डिप्लॉय नहीं होगा ठीक से। देखो इस बॉट को बनाना बहुत ही सिंपल है। ये मैंने MongoDB अपना URL लिया और यहाँ पे डाल दिया। इसके अंदर कोई भी ज्यादा तामझाम नहीं है, बहुत सिंपल है। ओनर आईडी के अंदर आपको टेलीग्राम की यूजर आईडी डालनी है जो इस बॉट को यूज कर पाएगा, क्योंकि इस बॉट को सिर्फ ओनर ही यूज कर सकता है इस बॉट का। इसके बाद आपको सेशन के अंदर आपको पायरोग्राम सेशन डालना है, जो कि आपको प्लेलिस्ट देख के पता लग गया होगा कि आपको ये वीडियो मतलब वैल्यू कैसे मिलेगी। इसके बाद टू चैनल के अंदर आपको उस चैनल की आईडी डालनी है जिस चैनल के अंदर आप अपनी फाइल्स को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, जो कि आपने हमारी पिछली वीडियो को देखा होगा तो आपको पता लग गया होगा। तो
तो उस चैनल की मैंने आपको यहाँ पे आईडी डाल दी। और एक चीज का ध्यान रखना, जब भी किसी चैनल या ग्रुप की आईडी आप यहाँ पे डाल लें तो आपको उस आईडी से पहले डैश 100 जरूर डालना होगा, अगर उसके अंदर पहले से नहीं है तो। अगर उसमें पहले से वैल्यू के अंदर डैश 100 है तो आप उसके अंदर दोबारा उसे ना डालें, एक ही बार उसे रहने दें। तो हमने यहाँ पे अपनी सारी वैल्यू उसको फिल कर दिया और अब मैं यहाँ पे सिंपली डिप्लॉय के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब जब तक मैं एक बार यहाँ पे बैक जाता हूँ और ये मेरा बॉट है, आप इसे देख, मैं यहाँ पे स्टार्ट कमांड देता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा बॉट यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है क्योंकि ये अभी डिप्लॉयड नहीं है। आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं कि हमारा बॉट यहाँ पे डिप्लॉय हो रहा है। जैसे ही यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगा मेरी यहाँ पे ऑटोमेटिक फॉरवर्ड कमांड यहाँ पे आ जाएगी। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि हिरोकू के ऊपर आपको पता होगा कि आपके जो एप्स हैं हिरोकू एप्स वो 24 आवर्स के अंदर रिस्टार्ट होते हैं। तो अगर आपके बॉट्स जो हैं वो 24 आवर्स के अंदर रिस्टार्ट होते हैं तो आप जो यहाँ पे डाटा सेविंग करेंगे डाटाबेस के अंदर, वो आपको 24 आवर्स के अंदर ही सेव करनी होगी और उसके बाद आपके बॉट उन फाइल्स को ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड करता रहेगा। देखो यहाँ पे हमारा बॉट स्टार्ट हो गया, फॉरवर्डिंग स्टार्टेड, डाटाबेस के अंदर कोई भी फाइल्स नहीं है ऑलरेडी तो 0 आ रहा है। ये सब जब आप पिछली वीडियो को देखेंगे जिसके बारे में मैंने आपको बताया हाउ टू यूज वाली, तो आपको पता लग जाएगा। अब रिसोर्सेज के अंदर आपको एक बार जाना होगा, अगर आपका बॉट इस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो आप यहाँ पे रिसोर्सेज में जाना और अपने डायनो को यहाँ पे इस पे क्लिक करके इसे यहाँ से राइट में ले आना और कंफर्म पे क्लिक कर देना, इससे आपका जो बॉट है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका बॉट स्टार्ट नहीं होता है तो आपको मोर पे क्लिक करके व्यू लॉग्स पे जाना है और आपको यहाँ पे कोई ना कोई एरर मिल जाएगा। इस एरर का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेके आपको हमारे टेलीग्राम के सपोर्ट ग्रुप, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारा जो चैनल है ग्रे मैटर्स सपोर्ट, आप हमारे इस ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। सॉरी ये नहीं, मेरा सपोर्ट ग्रुप कहाँ गया? कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे देखो ये हमारा सपोर्ट ग्रुप है, आप इस पे जा सकते हैं और इसके अंदर आप यहाँ पे अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं जो भी आपका इशू है और हमारे यूजर्स आपके एरर को सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे, ठीक है। और आपका एरर यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। मेरा बॉट यहाँ पे कोई मेरे को एरर नहीं आया, इन केस आपको आता है तो उसके लिए है ही। तो हमारा बॉट यहाँ पे सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। एरर आएगा तो आप यहाँ पे लॉग्स का स्क्रीनशॉट लेकर हमें सपोर्ट ग्रुप पे मैसेज कर देना, आपके एरर को हम सॉल्व कर देंगे। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था कि हिरोकू के ऊपर आपको पता होगा कि आपके जो एप्स हैं वो 24 आवर्स के अंदर यहाँ पे 24 आवर्स के अंदर यहाँ पे रिस्टार्ट होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप अपने मोंगो डीबी, सबसे पहले ये बॉट क्या करता है कि मोंगो डीबी के ऊपर सारी फाइल्स को सेव करता है और उसके बाद उस डाटा से फाइल्स को टेलीग्राम चैनल के अंदर फॉरवर्ड करता है। तो इस वजह से क्या होगा कि आपको अपनी फाइल्स को 24 आवर्स के अंदर ही सेव करना होगा मोंगो डीबी के अंदर, और जितनी फाइल्स मोंगो डीबी के अंदर 24 आवर्स में सेव हो जाएंगी उसके बाद वो उन फाइल्स को फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर देगा। और अगर उसके बाद भी अगर आपका ऐप रिस्टार्ट होता है एक बार फाइल सेव होने के बाद, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके बॉट जो है वो फाइल्स को सीक्वेंस के अंदर सेव करता रहेगा, क्योंकि बॉट एक फाइल को फॉरवर्ड करने के बाद डाटाबेस से डिलीट कर देता है, वो उस फाइल को दोबारा सेंड नहीं करेगा, ठीक है। और ये तो था सॉरी हिरोकू के लिए। अगर आप वीपीएस पे डिप्लॉय करते हैं तो आपको ऐसा कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि वीपीएस जो है वो 24/7 रन करते हैं, यही उनकी खासियत है, वो रिस्टार्ट नहीं होते जब तक आप उन्हें खुद रिस्टार्ट नहीं करते। तो उसके लिए आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं वीपीएस, लेकिन वीपीएस क्या है कि वीपीएस भी पेड होते हैं, आपको कहीं से फ्री मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना तो आप बाय कर सकते हैं वीपीएस। हमारी आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज।